हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 4 बज रहे हैं और सर की खाने की टाइम हो गई है। ये रस्म है इसलिए आपको करनी ही पड़ेगी। तो मैं ब्रश वगैरह करके और अब सर की खाने बैठ गई हूँ। कुछ खास नहीं खाऊंगी मैं, बस दही चूड़ा और जो मेरे हस्बैंड ने एक कटोरी खोआ लाया था बस वही खाऊंगी। नींद बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ कल 2 बजे रात में सोए हैं बात करते करते। तो पहले खाते हैं। आंखें नहीं खुल रही है और अगर मैं सरगी नहीं खाती ना तो सुबह में मेरी बहुत अच्छी सी पूजा की जाती चिल्ला चिल्ला कर। तो उससे अच्छा बेटर मैं खा ली और प्लेट भी सबूत के लिए टेबल पे ही छोड़ दी हूँ ताकि वो सो कर उठे तो उन्हें लगे कि मैं खाई हूँ। और इतने सुबह तो आपको पता है नींद लग रही है और तो कुछ खाने की इच्छा और होगी नहीं। फिर भी मैं कैसे भी कोशिश की हो कि मैं खा लूँ वरना मेरे हस्बैंड बहुत प्यार से लाए थे। तो बस हो गया है खाने वगैरह, अब मैं जा रही हूँ अगेन सो जाने। उठी तो गई मेरे बेटे स्कूल, अदरवाइज इट्स ओके। मैं आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी तीज। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, चावल दाल और भिंडी की भुजिया बनाऊंगी बच्चों के लिए। और मेरे हस्बैंड भी आज हाफ डे करके आ जाएंगे क्योंकि मुझे पूजा वगैरह में काम है तो इस वजह से। और इस बार मैं अकेली हूँ तो घर और बाहर और सब कुछ मुझे अकेली करना पड़ा है। इस वजह से मेरे आगे हाथ में मेहंदी भी नहीं लग पाई है, बस पीछे में लगाई, कोई बात नहीं। तो अभी तो बस काम वगैरह करके और मॉबिंग वगैरह करूँगी और फिर 4 बजे से मैं तैयार होंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे तब। फिर सजना सवरना हस्बैंड के लिए होता है ना, वही घर पे नहीं रहेंगे, सोच कर दिखाऊंगी किसे। इस वजह से मैं 4 बजे से सजूंगी सवरूंगी और फिर आप लोग को दिखाऊंगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी बेटी सारे पिल्लोज में पिलो कवर लगा रही है। बेटा थैंक यू। और वो मेरा निखट्टू मोबाइल देख रहा है और ये मेरी प्यारी सी राजकुमारी जो है मेरा काम कर रही है। अच्छी बात है, मेरे बच्चे सारे दोनों बच्चे मेरे बहुत काम करते हैं। नंदू भी बहुत काम करता है, सच बता रही हूँ। पानी ला कर देता है, खांसती हूँ तो पानी ला कर देता है, मेरे सर पे ठोकता है और भी बहुत सारा काम करता है नंदू बाबू। तो बस खाना वगैरह बना दी हूँ और अब जा रही हूँ क्लीनिंग करने और क्लीनिंग करके और बस नहा धो के थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे 2-3 बजे तक। हे गाइस, तो मैं नहा ली हूँ और अभी रेडी नहीं हुई हूँ, रेडी होने में टाइम है। तो हमारे यहाँ जो सामा की सत्तू होती है तो वो तो नहीं मिली थी लेकिन सामा की चावल मिल गई है तो मुझे बस उसकी सत्तू बनानी है। तो किचन वगैरह तो मैं साफ करके गई थी, सारी क्लीनिंग करवा के गई थी तो सत्तू वगैरह सब बन गए थे। पूजा की तैयारी मैं कर ली थी, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपनी लीपा पोती अपने फेस पे करने। मुझे उतना खास मेकअप करने आता नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर ली। तो यहाँ पहले मैं चूड़ी पहन लेती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब भी तैयार हो जाती हूँ और चली जाती हूँ बाहर तो मुझे याद आता है कि मैंने अपने बैंगल्स चेंज किए ही नहीं। तो इस वजह से सबसे पहले मैं अपने बैंगल्स को पहन लेती हूँ। और आप पूरे वीडियो में देखिएगा मेरे सारे मेकअप के सामान मेरे सामने है लेकिन मैं अक्सर उसे इधर उधर उधर ढूंढती फिरती हूँ। तो ये बैंगल्स भी छोटे, मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ इस वजह से, साइज़ थोड़ी सी बड़ी लाई थी लेकिन फिर भी
तो स्टार्ट करते हैं पहले प्राइमर से। पहले अपने फेस को मैं प्राइम कर लेती हूँ। मैं मुझे ये नाइबी का प्राइमर बहुत पसंद है, तो पहले मैं अपने फेस पे अच्छे से प्राइमर लगा लेती हूँ। तो ये रहा, प्रोफेशनल टाइप मैं बिहेव कर रही हूँ, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। और ये आगे पीछे से, ओ गॉड, बीप 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 बीप, मत देखना कोई पीछे। मैं इसे क्रॉप नहीं कर सकती थी, इस वजह से मैं क्रॉप नहीं करूँगी। और वो आए बिप बिप देख के चले गए। तो हो गया फेस प्राइमर, सेम मेरी फेस प्राइम हो गए। पीछे से हवा चल रही थी तो इस वजह से थोड़ा सा रिलैक्स था। तो बस देखिए, मैं कुछ ज़्यादा फुटेज खाने लगी हूँ। और अब जल्दी से पहन लेती हूँ ईयरिंग। मैं ज्वेलरी पहले पहन लेती हूँ ना, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। और वैसे भी प्राइमर लगाने के बाद आपको 10 सेकंड का गैप लेना पड़ता है। तो जल्दी जल्दी से हम लोग ईयरिंग पहन लेते हैं। फिर ये ईयरिंग आर्टिफिशियल है, गोल्ड नहीं है। आप लोग धोखा मत खाइएगा कि अरे नियति ने ये कब खरीदा, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स मेरे देखते हैं, उन्हें लगेगा कि मैं गोल्ड कर दी हूँ। बट मैं ऐसा नहीं है, गोल्ड नहीं करता है। अब मैं ब्लैक पे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, तो उसे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र से मॉइस्चराइज कर लेती हूँ अपने फेस को। अच्छा लुक आ रहा है ना, मुझे भी लग रहा है भाई साहब, बहुत बहुत मस्त लग रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बकवास हो रहा है ना, मैं इसे फास्ट कर देती हूँ। तो लीजिए, मैंने फास्ट कर लिया, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि आप लोग वीडियो जल्दी देखते भी नहीं हैं। तो पहले तो मुझे कैमरा सेट करने ही नहीं आता है, मैं क्या करूँ। जैसे तैसे तो आप लोग मुझे साथ दे रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है। तो अब चलते हैं फाउंडेशन की ओर। तो मैं फाउंडेशन में हमेशा लैक में लूमी मिक्स करके मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा एक मतलब हाईलाइट वाला लुक आता है। और मुझे बहुत पसंद है लैक में लूमी के साथ ये फिट मी। तो बस टैप 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 करके लगाते जाइए। इतना क्रीम, मेरे हस्बैंड कहते हैं भूतनी लगती हो आप लोग, बताइए मैं सच में भूतनी लगती हूँ। तो बस मैं पहले से अपने अंडे को तो इसे मैं ना ब्यूटी ब्लेंडर नहीं अंडा कहती हूँ। तो पहले अंडे को पहले मैं इसे भिगा कर रखी थी, और बस अंडे से मिक्स करती जा रही हूँ। तो टैप 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 जो भी होता है आप लोग समझ जाइएगा, मुझे इतना नहीं पता। तो अरे इतना कुछ ज़्यादा इस मेहंदी के आगे उजाला लग रही हो, गॉड। तो बस देखिए मिक्स, अरे वो नेच अपना जो स्किन छोड़ेगा, तो जब अपना स्किन ऑयल छोड़ता है ना, तो ये बिल्कुल मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया, और देखिए सारा सफ़ेदी निकल गया, क्योंकि अच्छे से जब आप उसे ब्लेंड करोगे ना तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा डार्क सर्कल है, और फेस पे थोड़ी सी वो छाई होती है ना, वैसी वाली थोड़ी सी हो गई है। तो वहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया और कंसील कर लिया। यहाँ पे थोड़ी सी दाग दिख रही है, मैं वहाँ भी कंसीलर से उसे ढक दूँगी। कुछ ज़्यादा ही दाग धब्बे आ गए हैं फेस पे, क्या करूँ, ट्रीटमेंट करो अपनी। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी आ गया है तंग करने के लिए। तो बस हो गया, देखिए उतनी भी गोरी नहीं लग रही हूँ, सब मिक्स हो जाता है ना तो ठीक हो जाता है। और इसे मैं पाउडर से सेट कर दूँगी। तो मिरर में देखना ज़रूरी था, क्योंकि मेकअप कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो बस पाउडर से मैंने सेट कर लिया, और मैं गले पे जरूर लगाती हूँ मेकअप, क्योंकि कुछ लोग हैं ना फेस पे मेकअप कर लेते हैं और अपने नेक पे करते ही नहीं, जिसके वजह से ना वो थोड़े से भूत टाइप लगते हैं। तो सब हो गया है, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो को ये पे एंड करती हूँ मेकअप को, क्योंकि आपको जैसे कि पता होगा कि मैं मेकअप पर एक अलग वीडियो बनाऊँगी। तो मैं आई शेडो लगा रही हूँ अपनी, तो बाद में मैं कर लूँगी इस मेकअप ट्यूटोरियल को। फिलहाल मेकअप वाले को मैं यहीं पर एंड कर दूँगी। पीछे से मैं उन्हें भगा रही हूँ वीडियो पॉज करके, आप लोग की वजह से देखिए कितना मानती हूँ आप लोगों को। तो बाद में मेकअप ट्यूटोरियल डालूंगी तत्काल। तो फ्रेंड्स, ये मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं
कुछ ज़्यादा खास तो की नहीं हूँ, तो मैं हो गई रेडी। और तो चलते हस्बैंड से पूछ ली कैसे ले रही हूँ। सारे श्रृंगार के साथ सबसे बड़ा श्रृंगार होता है हमारी ये आलता का काम। तो यहाँ पे हम लोग पहले आलता लगा लेते हैं। तो तैयार हो गई, पैर वगैरह सब रंगी, और सब रंगने के बाद आप जा रही हो पूजा के काम करने के लिए। तो लाइट जला बेटा, पूजा का काम करके मैं जाऊँगी अपनी बेटी को तैयार करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। क्या एक, तो अब मेरी सारी तैयारी हो गई, सज ली, सवर ली, हाथ में मेहंदी आगे नहीं लगी और पैर भी रंग ली, सब कर ली। अब मैं दिखाती हूँ पूजा पे। तो यहाँ पे मैंने सारे फल वगैरह रख दिए हैं, और यहाँ पे है मिठाई, और यहाँ पे है सब देख रहे हो, ये ब्लाउज का पीस है, कंघी वगैरह है, डलिया पूरा सेट हो चुका है। बस इसमें एक चीज़ की कमी है, मेरे हस्बैंड के हैं लाने, वो है खीरा। तो खीरा आएगा उसका ऐसे बिल्कुल सेट हो जाएगा, फिर इसे मैं छू दूँगी भगवान का नाम लेकर, और फिर फास्टिंग कंटिन्यू रखूँगी। तो ये रहा, ये हमारा हो गया है तैयार। और जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा हेवी है, पीछे रख देते हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ और क्या मैं सुंदर हुई या नहीं। तो अब ये सब हो गई है, अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को तैयार करने, अपने बेटा को तैयार करने के लिए जा रही हूँ पूजा करने। तो अब इन सब चीज़ों को छू दूँगी और अपने सिंदूरा से सिंदूर लगा लूँगी। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं, तब मिलते हैं। तो हो गया पूजा, कर ली पूजा, और यहाँ पे पूजा का सामान भी छू ली, सब कर ली। अब अपने सास के यहाँ जाऊँगी कथा सुनने के लिए, बस फिर तो अब सब कुछ करके मैं जा रही हूँ अपनी सास के यहाँ, वहाँ पे जाकर कथा सुन लूँगी और चले आऊँगी। तो बस कथा सुनना है, चले आना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड नौटंकी कर रहे थे, वो गुस्सा थे क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी, कहती इतनी खूबसूरत दिख रही थी, मेरे साथ एक फ़ोटो भी नहीं लिए। और अनफॉर्चुनेटली जब मैं ये वीडियो बना रही थी उस टाइम भी पता नहीं साउंड क्यों नहीं आ रहा था, मुझे नहीं पता। तो वो गुस्सा हो रहे थे कि क्यों तुमने वीडियो नहीं बनाया, मेरे साथ फ़ोटो नहीं लिया। तो इन्हीं सब नोकझोंक के साथ आज का ब्लॉग यहीं पेंट करते हैं, मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।